उत्तर प्रदेश के 18 जिले बाढ़ की आपदा झेल रहे हैं। सरयू, राप्ती, घाघरा ने मिलकर 1800 से अधिक गांव पर अपना कहर बरपाया। कई गांव का शहरों से संपर्क एकदम टूट चुका है। विभीषिका इतनी बड़ी है कि हजारों लोगों को अपना घर गंवाना पड़ा, कई लोगों को अपनी जान भी गंवानी पड़ी। गोरखपुर में बाढ़ का संकट गहराता जा रहा है। ये जिले 3 नदियों का कोप झेल रहे हैं। सरयू और रोहिणी नदी पहले ही खतरे के निशान के ऊपर बह रही है, जो ग्रामीण इलाकों के लिए खतरा बनी हुई है। और अब राप्ती नदी भी अपना रौद्र रूप दिखाने लगी है। असल में राप्ती का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर चुका है, जिसकी वजह से हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। बाढ़ बारिश के बाद नदियां उफान पर हैं, जिसकी वजह से निचले इलाकों में नदी के बढ़ते जलस्तर की वजह से बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। लोगों को खाने की समस्या का सामना करना पड़ रहा है, साथ ही खेतों में पानी भरने के बाद फसलों को भारी नुकसान हुआ। उत्तर प्रदेश की 6 तस्वीरें अलग अलग जगहों की आपको दिखा रहे हैं, जहां पर देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि इन इलाकों में बाढ़ से आम जनजीवन किस तरीके से प्रभावित हुआ है। सिद्धार्थनगर के डुमरियागंज में पूरा का पूरा गांव टापू में तब्दील हो गया, तो वहीं गोरखपुर में लोग नाव का सहारा लेते हुए दिखाई दिए। देवरिया, आजमगढ़, उन्नाव, शाहजहांपुर से भी बारिश के बाद भारी तबाही की तस्वीरें निकलकर सामने आई। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में बाढ़ से जनजीवन बेहाल दिखाई दिया, जहां पूरा का पूरा शहर टापू में तब्दील हो गया। असल में सरयू नदी पर बना रिंग बांध टूट जाने से एक गांव और होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज में पानी भर गया। बता दें कि सरयू नदी ने 1998 का रिकॉर्ड तोड़ दिया, जिसकी वजह से 240 गांव बाढ़ से प्रभावित दिखे। हालांकि अयोध्या पुल के पास तेजी से गिरते जलस्तर को देखते हुए अनुमान लगाया जा रहा है कि 2 दिन में बाढ़ से राहत मिलनी शुरू हो सकती है। गांव की सड़कें समंदर में तब्दील दिखी, जिसकी वजह से लोग नाव का सहारा लेकर आवाजाही करते हुए नजर आए। पक्के मकानों की छत पर लोग रहने को मजबूर हैं, जहां खाने पीने की समस्या से लोग दो-चार हो रहे हैं। हालांकि प्रशासन की तरफ से बाढ़ प्रभावितों तक हर संभव मदद पहुंचाने का काम जारी है। यूपी के देवरिया की बात करें तो वहाँ बारिश और बाढ़ का डबल अटैक देखने को मिला। लगातार हुई बारिश की वजह से वहाँ घाघरा नदी उफान पर है, जिसका असर अब कई गाँव पर देखने को मिला। पानी में डूबे गांव, सड़क पर चलती नाव, रास्तों पर कमर तक भरा पानी, ये तस्वीरें हैं यूपी के देवरिया की। लगातार हुई बारिश की वजह से यहां घाघरा नदी उफान पर है, जिसकी वजह से आसपास के कई गांव बाढ़ के पानी में डूब गए। बाढ़ की वजह से यहां रहने वाले लोग ये इलाका छोड़कर जा चुके हैं, और जो रह गए उन्होंने छतों पर शरण ले ली। देवरिया जिले में नदियों का रौद्र रूप जारी है। घाघरा नदी ने काफी तबाही मचाई है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ बरहस तहसील के कटेलवा गांव में। आप ये देख सकते हैं कि कटेलवा गांव है, और यहां सैकड़ों की आबादी है जो पूरी तरह से जलमग्न है। कई लोगों के घरों में पानी भर चुका है, लोग पलायन कर चुके हैं। कभी यहां सड़क हुआ करती थी, लेकिन आज यहां पर नाव चल रही है। बाढ़ की वजह से खेतों ने ही अब नदी का रूप ले लिया। यहाँ खड़ी फसलें पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी है, तो यहाँ बने मकान ने भी तालाब में तब्दील हो चुके हैं, और चारों तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। आते हैं रोड पे जहाँ पानी नहीं होता है, और वहीं से वापस चले जाते हैं। वहाँ यहाँ के लोग वहाँ पहुँच नहीं पाते हैं। लोगों का आरोप है कि प्रशासन की तरफ से कोई भी उनका हालचाल जानने के लिए गांव तक नहीं आया। अधिकारी सड़क तक ही आते हैं और फिर वहीं पर राहत सामग्री देकर वापस लौट जाते हैं। घाघरा नदी में उफान की वजह से यहाँ 30 से ज्यादा गाँव में यही हालात बने हुए हैं। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में घाघरा नदी पर बना रिंग बांध टूट गया, जिससे कई इलाकों के पानी में डूबने का खतरा बढ़ गया। बताया गया कि वहां बाढ़ को रोकने के लिए बने बांध पर पिछले कुछ दिनों से दबाव बन रहा था, जिसकी मरम्मत नहीं होने से ये बांध टूट गया। इलाके के लोगों ने आशंका जताई कि अगर टूटे हुए तटबंध को जल्द ही ठीक नहीं किया गया तो कई गांव पानी की चपेट में आ जाएंगे। रिंग बांध की मरम्मत के लिए गांव वालों के साथ साथ एनडीआरएफ की टीम भी लगी हुई है। बांध टूटने के बाद नदी ने रौद्र रूप ले लिया। पानी की रफ्तार इतनी तेज है कि ऐसा लग रहा है कि सब कुछ बहा ले जाने पर आमादा है। लोग पेड़ों को काट कर बांध के ऊपर रख रहे हैं, तो वही बालू के बोरे को भी नदी में डाला जा रहा है, ताकि पानी के तेज बहाव को रोका जा सके। एसडीएम ने दावा किया कि रिंग बांध कटने से आबादी का कोई इलाका प्रभावित नहीं होगा, केवल कृषि योग्य भूमि ही प्रभावित होगी। पानी गांव में जा रहा है, इससे फसलें प्रभावित होंगी, आबादी सुरक्षित रहेगी। वही मौके पर पहुंचे बीजेपी नेता ने कहा कि सिंचाई विभाग की लापरवाही की वजह से ये बांध टूटा है। इस पे पिछली बार भी इस पे कटा था, सिंचाई विभाग द्वारा ये बनाया गया, लेकिन कहीं कहीं कमियां सिंचाई विभाग द्वारा रही। बांध टूटने के बाद प्रशासन के आला अधिकारी मौके पर मौजूद हैं।
लोगों को कोई नुकसान नहीं पहुंचे, इसके लिए प्रशासन की ओर से राहत का काम तेज कर दिया गया। उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर के डुमरियागंज में बाढ़ से आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया, जिसके बाद नाव का सहारा लेकर आने जाने को लोग मजबूर दिखाई दिए। असल में राप्ती नदी के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी से दर्जन भर गांव टापू में तब्दील हो गए। वहीं बाढ़ प्रभावित गांव की लाइफलाइन पूरी तरीके से ठप हो गई। डुमरियागंज के भरोठिया गांव के लगभग सारे मकान पानी में डूब गए, जिसके बाद लोग नाव का सहारा लेकर आवाजाही को मजबूर दिखे। आधे आधे घर पानी में डूबे नजर आए। लोग पानी से बचने के लिए घर की छतों पर रहने को मजबूर हैं। वहीं कच्चे मकान में रहने वाले लोगों के सामने बड़ी मुसीबत खड़ी दिखी, जिसकी वजह से प्रशासन की मदद से सभी लोग पंचायत भवन में शरण लेते दिखे। घर गाड़ी सब पानी में डूब गई, सड़कों का नामो निशान मिट गया। बढ़ते जलस्तर की वजह से पूरा का पूरा इलाका टापू में तब्दील हो गया। डुमरियागंज के ही गांव बरोठिया पहुंची न्यूज 18 की टीम ने बाढ़ के हालातों का जायजा लिया और नाव पर सवार होकर पूरे गांव का हाल जाना। उत्तर प्रदेश के कई जिले बाढ़ से प्रभावित हैं और ऐसे हर जिलों में पहुंचकर हम जमीनी हकीकत दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं देश के नंबर वन न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया के जरिए। मैं हूं प्रशांत चुरहे और आज जो नजारा हम चारों तरफ देख रहे हैं ये है उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर के डुमरियागंज का भरवठिया गाँव। जहां तक हमारी नजर जा रही है ऐसा कोई मकान नहीं है जो पानी में पूरी तरह से डूबा नहीं दिखाई दे रहा है। जहां जहां तक आप देख पा रहे होंगे इसी गांव से लगी हुई खेत खलिहान की वो जमीन जहां लहलहाती फसल थी पूरी तरह पानी में डूब चुकी है। और ये सब कुछ हो रहा है बाढ़ के पानी में अक्टूबर के महीने में। हालांकि ये मानसून के चले जाने का वक्त है, लेकिन इस तरह का आलम देखकर आश्चर्य इसलिए भी हो रहा है क्योंकि अब जबकि तीज त्योहार का वक्त है, खेत खलिहानों में लहलहाती फसल अब अपने अंजाम तक पहुंचने वाली थी, लेकिन यहां तबाही देखी जा रही है। चारों तरफ गांव डूबे हुए हैं और हम इस वक्त चल रहे हैं एक नाव पर, यानी उस सड़क पर जहां गाड़ियां दौड़ती थी वहां अब ये नाव चल रही है। और ये मंजर हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं कि क्या हाल है उत्तर प्रदेश के कई जिलों में इस बाढ़ के पानी से। नेपाल के कई बैराज से छोड़ा गया पानी इस सीमावर्ती जिलों में लगातार पहुंच रहा है और गांव की हालत देखिए, लोग किस तरह से पानी में डूब कर की ही अब अपने रास्ते को पार करने के लिए मजबूर हैं। न्यूज 18 की टीम ने पंचायत भवन में शरण ले रहे लोगों से भी उनका हालचाल जाना। सिद्धार्थनगर का डुमरियागंज और डुमरियागंज का ये है भरवठिया मुस्तकम गांव और यहां का ये आलम जहां पर लोगों ने शरण ली हुई है, ये एक पंचायत भवन है। यहां के प्रधान ने पंचायत भवन में ही उन लोगों को आश्रय दिलवाया है जो इस पूरे गांव में अपने मकान को डूबा हुआ देख रहे थे। आखिरकार यहां उन्होंने शरण ली है। दूर तक अगर हम देखें तो पानी ही पानी भरा नजर आ रहा है और यहां पर दूर तक जहां भी नजर जाती है हर मकान डूबा दिखाई दे रहा है, पूरी फसलें डूबी दिखाई दे रही है। ऐसी ही जो पक्की इमारतें हैं बस वहां पर लोगों ने शरण ली है और उन्हीं में से एक ये पंचायत भवन भी है जहां लोग पहुंचे हुए हैं। लेकिन अगर हम इधर देखें कि पंचायत भवन में इतने सारे लोग अपने परिवार के साथ हैं तो इनका गुजर बसर कैसे हो रहा है। ये मेन रास्ते से तकरीबन 10 किलोमीटर दूर है डुमरियागंज से और ऐसे में यहां राशन पहुंचाना भी बड़ा मुश्किल है। कुछ लोग हैं जो लगातार दिख रहे हैं ये चूल्हा जिस पर ये सामान रखा हुआ है, इस पर अब खाना बनाने की कोशिश की जा रही है लेकिन राशन की कमी लगातार पड़ती चली जा रही है। चूल्हे अभी भी कुछ बुझे नजर आ रहे हैं। कुछ लोग हैं जिनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे यहाँ पर। कितने दिनों से ये पानी भरा हुआ है दादा यहाँ पर? 8 रोज से पानी भरे हुए हैं और हम लोग डूब रहे हैं। कोई शासन न आया, न प्रशासन आया, न कोई विधायक है, न MP है, न कोई है। हम लोग को कोई पूछ नहीं रहा है, कोई कुछ एक दाना नहीं दे रहा है कि हम लोग क्या खाए। इस समय जबकि बाढ़ से पूरा गांव डूबा दिखाई दे रहा है आपका, किस तरह से इंतजाम हो पा रहा है? सर हम जितना इंतजाम हमको करने रहता करते हैं, हम लोग ला के खाना बांटते हैं डेली का। हम लोग 300-400 पैकेज डेली घर पे बनवाते हैं, बनवा के गांव में बांटते हैं। कम से कम 200-250 घर हमारा इसे डूबा हुआ है। ये एक बड़ी दिक्कत है कि इस गांव तक की मदद नहीं पहुंची है और हालात कैसे बेहतर होंगे इस बात को लेकर लगातार आस लगाए बैठे लोग हैं। लेकिन इस तरह के चूल्हे जहां पर जिंदगी के लिए जरूरी खाना पकने वाला है उसके लिए राशन कहां से आए, इस राशन का भी इंतजार किया जा रहा है। यानी सरकारी मदद की यहां अभी बहुत ज्यादा जरूरत है। किस तरह के हालात बेहतर हो सकेंगे ये तमाम उम्मीद लगाएं इन नगाहों में हम देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में गंगा और रामगंगा नदी का प्रकोप कम होने का नाम नहीं ले रहा। हालात इतने खराब हैं कि बाढ़ की वजह से कई गांव वहां पर टापू बन गए।
जिसकी वजह से लोग अपने घरों में कैद होकर रह गए, जबकि कुछ लोगों को घर छोड़कर ऊंची जगह पर शरण लेनी पड़ी, क्योंकि शाहजहांपुर के ज्यादातर निचले इलाकों में पानी भरा हुआ है, इसलिए जरूरी सामान लाने और ले जाने के लिए लोगों को मजबूरी की नाव का सहारा लेना पड़ रहा है। हम लोगों को घरों में से निकलने में दिक्कत होती, घरों में तो पानी भरा हुआ है। बीते कुछ दिनों से बारिश हो रही है, जिससे रामगंगा और गंगा नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ गया। जानकारी के मुताबिक शाहजहांपुर के करीब 20 गांव बुरी तरीके से बाढ़ की मार झेल रहे हैं। नदी में सैलाब के बाद लोगों के लिए मुसीबत बढ़ गई। नदी किनारे लगातार कटान हो रहा है, जिससे लोगों में डर का माहौल है। तो वहीं जल भराव की वजह से जहरीले मच्छर पनप रहे हैं, जिससे बीमारी का खतरा मंडरा रहा है। हालांकि प्रशासन की टीम लगातार लोगों को मदद पहुँचाने में जुटी हुई है। वक्त की बड़ी खबर आपको सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड से जुड़ी बता दें, इस मामले में लुधियाना पुलिस ने एक और आरोपी गुरमीत को गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से हत्या में इस्तेमाल की गई पिस्तौल बरामद की गई है। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में लगातार ताबड़तोड़ गिरफ्तारियां जारी है। एक और शख्स को गिरफ्तार किया गया है, जिसका नाम गुरमीत बताया जा रहा है, और इस शख्स के पास से हत्याकांड में इस्तेमाल की गई पिस्तौल भी बरामद हुई है। पुलिस की तरफ से लगातार कड़ियां जोड़ने की कोशिश की जा रही है। हिंदुस्तान से लेकर विदेश में बैठे हुए गोल्डी बराड़ तक लगातार कड़ियां जोड़ी जा रही हैं, और इस दौरान जिन लोगों का नाम निकलकर सामने आ रहा है, उन्हें तुरंत गिरफ्तार करके पूछताछ की जा रही है। एक और शख्स से गिरफ्तारी हुई, जिसका नाम गुरमीत बताया जा रहा है। दिल्ली के पटेल नगर में लड़की की मौत के बाद तनाव, बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती, दो दिन पहले मारपीट में हुआ था घायल, इलाज के दौरान हुई मौत। पंजाब के पूर्व मंत्री श्याम सुंदर अरोड़ा को मोहाली कोर्ट में पेश किया गया, कोर्ट ने श्याम सुंदर अरोड़ा को 3 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा। मशहूर टीवी एक्ट्रेस वैशाली ठक्कर ने की खुदकुशी, इंदौर के घर में फंदे से लटका मिला शव, मौके पर सुसाइड नोट। दिल्ली आबकारी घोटाला मामले में सीबीआई ने दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को समन भेजा। सिसोदिया को आज सुबह 11 बजे सीबीआई दफ्तर में पेश होना है। सिसोदिया से पूछताछ के लिए सीबीआई ने सवालों की फहरिस्त भी तैयार कर ली है। सीबीआई के समन पर सिसोदिया की प्रतिक्रिया सामने आई, उन्होंने ट्वीट करके लिखा, मुझे सीबीआई मुख्यालय बुलाया गया है, मैं जाऊंगा और पूरा सहयोग करूंगा, सत्यमेव जयते। तो आबकारी घोटाला मामले में सीबीआई ने उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को समन भेजा है। ट्वीट करके सिसोदिया ने खुद इस बात की जानकारी दी, और उन्होंने कहा कि देखिए, मैं जरूर जाऊंगा पूछताछ में और सहयोग भी करूंगा, सत्य की जीत होगी, सत्यमेव जयते। राजधानी दिल्ली के मिरांडा हाउस कॉलेज से जुड़ा एक वीडियो सामने आया, जिसमें कुछ छात्र कॉलेज की दीवार कूदकर अंदर घुसते हुए नजर आए, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। सामने आए वीडियो में कुछ छात्र पेड़ के सहारे एक एक कर कॉलेज की दीवार को कूदकर अंदर जाते हुए दिखाई दिए। बताया गया कि छात्र कॉलेज में हो रहे दीपावली मेला उत्सव को देखने के लिए अंदर जा रहे थे, लेकिन इस वीडियो के आने के बाद सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाए जा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक कॉलेज में आयोजित हुए प्रोग्राम के दौरान भीड़ ज्यादा होने की वजह से मेन गेट को बंद कर दिया गया था, जिसके बाद छात्रों ने दीवार कूदी। हालांकि जैसे ही वो नीचे उतरे, पुलिस ने उन्हें अंदर जाने नहीं दिया। दिल्ली के रंजीत नगर में नितेश नाम के एक युवक की पीट पीट कर हत्या के बाद तनाव पैदा हो गया है। हालांकि इलाके में प्रदर्शन भी होने लगे, माहौल को बिगड़ता हुआ देख इलाके में आरएएफ की तैनाती की गई। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों की पहचान कर ली है, जल्द ही पुलिस आरोपियों को पकड़ने का अब दावा यहां पर कर रही है। रंजीत नगर में पीट पीट कर एक शख्स की हत्या कर दी गई, जिसके बाद इलाके में तनाव का माहौल। दिल्ली के रंजीत नगर इलाके में कल खूब प्रदर्शन हुआ, माहौल बिगड़ता देख इलाके में आरएएफ की तैनाती की गई। हैरान करने वाली इस घटना का सीसीटीवी वीडियो सामने आया, जिसमें नितेश नाम के युवक को 3 लोग पूरी तरीके से पीटते हुए दिखे। घटना 12 और 13 अक्टूबर की दरमियानी रात की है। बाइक से आ रहे 3 लोगों को नितेश रोकते दिखा, तभी तीनों ने मिलकर उसकी पिटाई कर दी। नितेश के सर में गहरी चोट लगी, बाद में इलाज के दौरान 16 अक्टूबर को उसने अस्पताल में दम तोड़ दिया। झगड़े की वो नितेश और आलोक ने की है, और थोड़ी देर वापस वो फिर फुटेज में आ जाते हैं, जिसमें दिखाई दे रहा है कि वो लड़के जिनको बाइक से उतारा गया था, वो इनको पीट रहे हैं। ये दुख की बात है कि नितेश की जान चली गई।
इस मारपीट के पीछे वजह हॉर्न बजाना बताया गया। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज में रिकॉर्ड वीडियो के आधार पर तीनों आरोपियों की पहचान कर ली। पुलिस का दावा है कि जल्द ही तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। एक लड़के का नाम है उफीजा, एक अब्बास और एक अदनान, तो ये तीनों की हमने पहचान लिया है। इनके फोटोग्राफ हमारे पास है, अभी ये भाग रहे हैं पुलिस से, जल्दी इन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। रंजीत नगर में नितेश की हत्या के बाद तनाव पसर गया। मौत के विरोध में प्रदर्शन होने लगे। गुस्साए लोगों ने सड़क को जाम कर दिया, जिसके बाद भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात करना पड़ा। और इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आपको बता दें, दक्षिण कोरिया का दावा है कि किसी भी वक्त किम जोंग परमाणु परीक्षण कर सकते हैं, जिसकी वजह से दक्षिण कोरिया में राष्ट्रपति कार्यालय को 24 घंटे के लिए स्टैंड बाय पर रखा गया। तानाशाह किम जोंग उन के आदेश पर उत्तर कोरियाई सेना लगातार अपनी किलर मिसाइलों का परीक्षण कर रही है। उत्तर कोरिया को करारा जवाब देने के लिए अमेरिका ने अपने परमाणु हथियारों से लैस एयरक्राफ्ट कैरियर को दक्षिण कोरिया भेजा। और इसी बीच ऐसी आशंका जताई जा रही है कि उत्तर कोरिया चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के तीसरी बार ताजपोशी के साथ ही परमाणु बम का एक बार फिर से विस्फोट कर सकते हैं। बिहार के जहानाबाद से लूट का हैरान करने वाला वीडियो सामने आया। एक रिटायर्ड दरोगा से 7 लाख रुपए की लूट की गई। महज 10 सेकंड में लुटेरों ने इस वारदात को अंजाम दिया। रिटायर्ड दारोगा बस से उतरकर हाथ में झोला लेकर सड़क पार करने की कोशिश कर रहे थे, तभी मोटरसाइकिल सवार दो लुटेरे झपट्टा मारकर बैग लेकर फरार हो गए। बेबस बुजुर्ग ने पीछे से दौड़ भी लगाई, लेकिन वो बदमाशों को पकड़ पाने में नाकाम रहे। ये वारदात जहानाबाद जिले के घोसी थाना इलाके के बंधुगंज बाजार में हुई। मोटरसाइकिल पर सवार बदमाश पहले से ही घात लगाकर खड़े थे, जैसे ही बुजुर्ग दिखे बैग छीनकर भाग गए। बैग में 7 लाख रुपए थे। जिस तरह से घात लगाकर लूट को अंजाम दिया गया, उससे लग रहा है कि अपराधियों को पहले से ही बैग में रुपए होने की खबर थी। फिलहाल कैमरे में रिकॉर्ड इस वीडियो के आधार पर पुलिस तहकीकात में जुटी है और अपराधियों को पकड़ने की कोशिश की जा रही है। रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग में यूक्रेन के सैनिकों ने बहुत बड़ा पलटवार किया। यूक्रेन ने रूस के एक टैंक को तबाह कर दिया। दरअसल यूक्रेन का ये दावा है कि उनके हमले में रूस के सैनिक मारे गए। रूस का टैंक तबाह होने के बाद इंजन बंद नहीं होने की वजह से वो कई चक्कर काटता रहा। यूक्रेन के हमले में किस तरीके से रूसी टैंक तबाह हुआ, तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। दावा दरअसल ये किया जा रहा है कि यूक्रेन ने रशिया के कई टैंक्स को तबाह किया और उसका ये वीडियो भी बकायदा जारी किया गया। इंजन बंद नहीं होने की वजह से ये टैंक चक्कर ही काटता रहा। और इसी बीच बड़ी खबर अमेरिका से आ रही है। सऊदी प्रिंस नाराज, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन G20 शिखर सम्मेलन में प्रिंस से मुलाकात नहीं करेंगे। दरअसल ये बैठक अगले महीने 15 और 16 तारीख को इंडोनेशिया में होनी है। जो जानकारी अब तक मिल रही है कि देखिए, जानकारी के मुताबिक दोनों देशों के नेताओं के बीच कोई बातचीत नहीं होगी। आपको ये बता दें कि दरअसल ऐसा पहली बार होने जा रहा है जब दोनों नेता एक ही जगह पर होने के बावजूद मुलाकात नहीं करेंगे। असल में कच्चे तेल के उत्पादक देश के संगठन OPEC+ ने तेल उत्पादन में कटौती का फैसला किया और माना जा रहा है कि इसी बात से अमेरिका बेहद नाराज है और जो बाइडेन इस बार प्रिंस से मुलाकात नहीं करेंगे। यूपी के रायबरेली में एक स्कूल की बस में अजगर मिलने से हड़कंप मच गया। यह अजगर बस की सीट के नीचे फंसा था। काफी मशक्कत के बाद अजगर को निकाला गया। अजगर की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंच गए। करीब 1 घंटे तक चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद किसी तरीके से अजगर को काबू में किया गया। अजगर को जब बस से निकालने की कोशिश की जा रही थी, उसी दौरान भी वो अटैक करने की कोशिश कर रहा था। तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि कैसे अजगर काटने की कोशिश करता दिखा। बताया गया कि ये बस बच्चों को स्कूल छोड़ने के बाद गांव के पास खड़ी कर दी जाती थी। इसी दौरान ये अजगर बस में जा घुसा। गनीमत इस बात की थी कि रविवार के चलते स्कूल बंद था, नहीं तो ये अजगर किसी को बड़ा नुकसान पहुँचा सकता था। दिल्ली के दिवाली के मौके पर दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसानों को बड़ा तोहफा देने जा रहे हैं। दरअसल पीएम मोदी आज दिल्ली में पीएम किसान सम्मेलन 2022 का उद्घाटन करेंगे। इस खास मौके पर पीएम मोदी देश भर के करीब 12 करोड़ किसानों के खाते में किसान सम्मान निधि योजना की 12वीं किश्त जारी करेंगे। यानी कि समझिए 16,000 करोड़ रुपए के पीएम किसान फंड को जारी किया जाएगा। इसके साथ ही पीएम मोदी 600 पीएम किसान समृद्धि केंद्रों का भी उद्घाटन करेंगे।
तो पीएम मोदी किसानों को बड़ा तोहफा देने जा रहे हैं। दिल्ली में होने वाले कार्यक्रम में पीएम मोदी पीएम किसान सम्मान सम्मेलन 2022 का उद्घाटन करेंगे। किसान सम्मान निधि योजना की 12वीं किश्त भी जारी की जाएगी। आप समझिए 16,000 करोड़ की पीएम किसान निधि इसमें जारी की जाएगी, जिसमें 600 पीएम किसान समृद्धि केंद्रों का उद्घाटन करेंगे। साथ ही कृषि स्टार्टअप सम्मेलन और प्रदर्शनी का भी उद्घाटन किया जाएगा। तो पीएम मोदी आज गुजरात के लोगों को आयुष्मान कार्ड बांटेंगे। आज शाम 4 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम मोदी पीएमजे मां योजना आयुष्मान कार्ड के वितरण की शुरुआत करेंगे। स्कीम के तहत हर परिवार को हर साल 5 लाख रुपए तक का बीमा दिया जाता है। इस योजना में परिवार के सदस्यों की संख्या और उम्र की कोई सीमा नहीं होती। इस योजना का मकसद नागरिकों को मेडिकल कॉलेज और बीमारी के बड़े खर्चों से बचाना है। हरियाणा के चरखी दादरी जिले में गैंगस्टर मनीष कल्याणा ने अवैध कब्जे पर उनके एक्शन हुआ है, जहां पुलिस ने उसके अवैध कब्जे को गिरा दिया। आरोप है कि गैंगस्टर मनीष कल्याणा ने पंचायत की जमीन पर कब्जा किया और उस पर इमारत खड़ी कर दी, लेकिन प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर उसकी एक एक ईंट गिरा दी। कुछ ही घंटों में गैंगस्टर मनीष कल्याणा के गुनाहों की निशानी को जमीन दोस्त कर दिया गया। इस कार्रवाई के दौरान वहां भारी संख्या में पुलिस के जवान तैनात रहे, ताकि हालात बिगड़ने पर किसी भी स्थिति को काबू में किया जा सके। तो वहीं पुलिस के मुताबिक मनीष कल्याणा बाबा गैंग से जुड़ा है, जिस पर फिरौती, डकैती और हत्या के प्रयास समेत कई मामले दर्ज हैं। देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस के अध्यक्ष चुनाव के लिए होने वाली वोटिंग की तैयारी पूरी कर ली गई। देश भर में 40 केंद्रों पर 68 बूथ बनाए गए, जहां सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक मतदान किया जाएगा। कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव के लिए मुकाबला मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर के बीच है। इस चुनाव में तकरीबन 9,500 डेलीगेट मतदान करेंगे। जो जिस राज्य से डेलीगेट है, उसे उसी राज्य के कांग्रेस मुख्यालय में जाकर मतदान करना होगा। मतदान के बाद सभी राज्यों से मतपेटियां वापस दिल्ली लाई जाएंगी, जहां 19 अक्टूबर को वोटों की गिनती कर नतीजों की घोषणा होगी। तो कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। तैयारियां क्या हुई है, ये आपको बताते हैं। चुनाव के लिए देखिए, सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक वोटिंग होगी। वोटिंग के लिए 40 केंद्रों पर 68 बूथ बनाए गए हैं। करीब 9,800 मतदाता मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर के लिए वोट डालेंगे, जिसमें सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, मनमोहन सिंह कांग्रेस मुख्यालय में वोट डालेंगे, जबकि राहुल गांधी कर्नाटक के बल्लारी में भारत जोड़ो यात्रा के कैंप में अपने मत का इस्तेमाल करेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए आज सुबह 10 बजे से मतदान शुरू हो जाएंगे। सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और मनमोहन सिंह समेत कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्य कांग्रेस मुख्यालय में बने बूथ में मतदान करेंगे। तो वहीं राहुल गांधी करीब 40 मतदाताओं के साथ कर्नाटक के बेल्लारी में भारत जोड़ो यात्रा के कैंप में बनाए गए एक बूथ में वोट डालेंगे। इसके अलावा मल्लिकार्जुन खड़गे बेंगलुरु और शशि थरूर तिरुवनंतपुरम में प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में मतदान करेंगे। तो आज कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव होना है, लेकिन खास बात यह है कि दोनों उम्मीदवार गांधी परिवार से बाहर के हैं, यानी कि इस बार अध्यक्ष गांधी परिवार से कोई नहीं बनेगा। इस चुनाव में मल्लिकार्जुन खड़गे बहुत अहम उम्मीदवार हैं। उनका नाम खास क्यों है, ये सबसे पहले आपको बताते हैं। तो देखिये, मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम कांग्रेस के दरअसल वरिष्ठ नेताओं में शुमार है। इसके साथ ही मल्लिकार्जुन खड़गे दलित है, एक दलित चेहरा है जो कांग्रेस की दलित राजनीति के लिए बहुत फायदेमंद होने जा रहे हैं। तीसरी सबसे बड़ी बात यह है कि खड़गे कर्नाटक से आते हैं, वही कर्नाटक जहां पर अगले साल विधानसभा का चुनाव होना है और अगर खड़गे कांग्रेस के अध्यक्ष होंगे तो इसका असर सीधे तौर पर चुनावों पर पड़ेगा। और इसके साथ ही मल्लिकार्जुन खड़गे राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष है, उनको राजनीति का बहुत ही ज्यादा अच्छा अनुभव है। तो अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ रहे कांग्रेस के दिग्गज नेता शशि थरूर भी काफी अहम है, उनके बारे में भी जान लीजिए। देखिये, शशि थरूर संयुक्त राष्ट्र में सहायक सचिव रह चुके हैं, इसके साथ ही मनमोहन सरकार में वो विदेश मंत्री रह चुके हैं, साथ ही 3 बार के लोकसभा सदस्य भी शशि थरूर रह चुके हैं। इसके साथ ही वो फिलहाल की बात करें तो केरल के
तिरुवनंतपुरम से सांसद भी हैं। और चलिए अब बढ़ते हैं आगे। मध्य प्रदेश के भिंड से हैरान करने वाला एक वीडियो सामने आया, जहां पर एक नाबालिग लड़के की पेड़ से बांधकर पिटाई की गई, जिसमें एक आरोपी पीड़ित को डंडों से पिटाई करते हुए नजर आया। दूसरा आरोपी वीडियो बनाने में लगा रहा। पीड़ित लगातार उनसे रहम की भीख मांग रहा था, लेकिन आरोपियों पर पीड़ित के चीखों का कोई असर नहीं हो रहा था। वो लगातार डंडे बरसाए जा रहा था। भिंड के भरौली कला गांव का ये मामला है, जहां आरोपी पहले पीड़ित को जंगल में ले गए और फिर पेड़ से बांधकर पिटाई की। यही नहीं, आरोपियों ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। हालांकि मामला बढ़ता देख आरोपियों ने वीडियो को सोशल मीडिया से हटा दिया। पीड़ित की शिकायत के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया और आरोपियों की तलाश में जुट गई। और बड़ी खबर आपको जम्मू से बता दें, जहां पर आज सुबह 11 बजे गुपकार अलायंस की एक बैठक होने वाली है। ये बैठक नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला के घर पर होगी। इस बैठक में नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेताओं के अलावा पीडीपी, कांग्रेस, शिवसेना, सीपीआईएम समेत अन्य पार्टियों के नेता भी शामिल होंगे। इस बैठक में जम्मू कश्मीर के कई अहम मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। पंजाब के अमृतसर से दिल दहला देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां एक कार ने मोटरसाइकिल सवार को टक्कर मार दी, जिसका वीडियो वहां लगे कैमरे में रिकॉर्ड हो गया, जिसमें वो कार मोटरसाइकिल को जोरदार टक्कर मारती हुई नजर आई। सामने आए वीडियो में मोटरसाइकिल सवार एक गली से गुजरता दिखाई दिया, लेकिन तभी सामने तेज रफ्तार में आ रही कार ने उसे रौंद दिया। कार की रफ्तार इतनी ज्यादा तेज थी कि जैसे ही उसकी टक्कर हुई, उसका बैलेंस बिगड़ गया और वो दीवार से टकराकर पलट गया। इस भीषण टक्कर में मोटरसाइकिल पर बैठे दो लोग हवा में उछलकर दूर जा गिरे। हालांकि तभी वहां आसपास मौजूद लोगों ने घायल मोटरसाइकिल सवार को तुरंत अस्पताल पहुंचाया, जहां उसका इलाज चल रहा है, लेकिन इस हादसे में एक महिला की मौत हो गई। पंजाब के अमृतसर में एक बार फिर से बीएसएफ के जवानों ने एक ड्रोन को मार गिराया। भारत पाकिस्तान सीमा पर पिछले एक हफ्ते में ये इस तरीके से दूसरी घटना है। इस बार जो ड्रोन मार गिराया गया वो ऑक्टोकॉप्टर है, यानी कि 8 विंग वाला। ऐसे ड्रोन के जरिए भारत की सीमा में पाकिस्तान से नशीले पदार्थ और हथियार की तस्करी की कोशिश लगातार होती रही है। कुछ दिनों पहले भी जिस ड्रोन को मार गिराया गया था वो क्वाडा कॉप्टर था, यानी कि 4 विंग वाला था। तो वहीं इस बार वाला ड्रोन 8 विंग वाला है। राजस्थान के जोधपुर से चौंकाने वाला एक मामला सामने आया। वहां प्रेमी से शादी करने वाली एक युवती को उसके परिवार वाले थाने से जबरदस्ती अपने साथ ले गए, जिसके बाद पुलिस वालों के भी होश उड़ गए। इस घटना का जो वीडियो सामने आया, उसमें युवती के परिजनों ने कार में बिठाकर उसे वहां से लेकर भागते हुए दिखाई दिए। असल में युवती के परिजनों ने उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट थाने में दर्ज करवाई थी, जिसके बाद उसका पिता उसे थाने लेकर पहुंचा था। लेकिन जैसे ही वो वहां पहुंचा, पहले से मौजूद युवती के परिजनों ने उसे गाड़ी में बिठाया और वहां से फरार हो गए। इस दौरान वहां थाने में अफरा तफरी का माहौल बन गया। थाने से युवती को जबरदस्ती ले जाते देख पुलिस वाले भी हैरान हो गए। अभी इनके खिलाफ जो लेकर के बच्ची को लेकर, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है और हम लड़की की तलाश कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि युवती ने परिवार वालों के खिलाफ जाकर प्रेमी से शादी की थी, जिससे वो नाराज थे। और अगली खबर बिहार से है, जहां पर इन दिनों जेडीयू और बीजेपी के बीच जंग जारी है। हाईकोर्ट के निर्देश पर निकाय चुनाव के टलने के बाद दोनों के बीच आरक्षण तनातनी का मुद्दा बना हुआ है। और इसी कड़ी में आज बीजेपी पूरे बिहार में आरक्षण बचाओ, चुनाव कराओ पर महाधरना करेगी। पटना में बीजेपी कार्यालय के बाहर 11 बजे धरना आयोजित किया जाएगा, जिसमें बिहार बीजेपी के सभी बड़े नेता मौजूद। प्रयागराज से हैरान करने वाला एक वीडियो सामने आया, जिसमें एक चोर दुकान के अंदर चोरी करता हुआ नजर आया, जिसका वीडियो वहां लगे कैमरे में रिकॉर्ड हो गया, जिसमें वो दुकान के अंदर रखे पैसों पर हाथ साफ करता हुआ नजर आया। सामने आए वीडियो में वो चोर सबसे पहले वहां लगे कैमरे को बंद करता हुआ दिखाई दिया। इसके बाद उसने अपने चेहरे को ढका और फिर पैसे चोरी करने लगा, लेकिन वो इस बात से अनजान था कि वहां दूसरा भी कैमरा लगा है। दुकान में चोरी करने के बाद वो वहां से फरार हो गया। दरवाजा को ऊपर से आ गया, फिर गल्ला तोड़ के पैसा निकाल के लेके चला गया। 10 मिनट के अंदर पूरा गेम कर दिया। जानकारी के मुताबिक दुकान में 5 लाख रुपए जो रखे हुए थे वो चोरी हुए। घटना का वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने मामला दर्ज किया और चोर की तलाश में जुट गई। हरिद्वार में मोटरसाइकिल सवार बदमाशों ने 2 सिपाहियों को गोली मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। बदमाशों ने 4 राउंड हवाई फायरिंग की और फरार हो गए।
सूचना मिलते ही घटनास्थल पर सीओ समेत भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचे। बदमाशों की तलाश की गई लेकिन कुछ फिलहाल पता नहीं चल सका। दोनों सिपाहियों को गंभीर हालत में हायर सेंटर रेफर किया गया। दिल्ली के मिरांडा हाउस कॉलेज से जुड़ा एक वीडियो सामने आया जिसमें कुछ छात्र कॉलेज की दीवार कूदकर अंदर घुसते हुए दिखाई दिए, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। सामने आए वीडियो में कुछ छात्र पेड़ के सहारे एक एक कर कॉलेज की दीवार को कूदकर अंदर जाते हुए दिखाई दिए। बताया गया कि छात्र कॉलेज में हो रहे दीपावली मेला उत्सव को देखने के लिए अंदर जा रहे थे, लेकिन इस वीडियो के आने के बाद सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाए जा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक कॉलेज में आयोजित हुए प्रोग्राम के दौरान भीड़ ज्यादा होने की वजह से मेन गेट को बंद कर दिया गया था, जिसके बाद छात्रों ने दीवार कूदी। हालांकि जैसे ही वो नीचे उतरे पुलिस ने उन्हें अंदर जाने नहीं दिया। वाराणसी में पुलिस वालों की बदमाशों से मुठभेड़ हो गई, जबकि फायरिंग में पुलिस की गोली से दो बदमाश घायल हो गए। अन्य बदमाशों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की दबिश तेज हो गई। पुलिस की गोली से घायल दोनों बदमाश एक बीजेपी नेता की हत्या में शामिल बताए जा रहे हैं। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड से जुड़ी हुई बता दें। इस मामले में लुधियाना पुलिस ने एक और आरोपी गुरमीत को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल आरोपी के पास से हत्या में इस्तेमाल की गई पिस्तौल भी बरामद की गई है। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड से जुड़ी हुई, जहां पर लगातार ताबड़तोड़ गिरफ्तारियां जारी हैं। और इसी बीच बड़ी जानकारी आपको दे दें, एक और शख्स गिरफ्तार किया गया जिसका नाम गुरमीत बताया जा रहा है। लुधियाना पुलिस ने गिरफ्तार किया। इतना ही नहीं, हत्या में इस्तेमाल पिस्तौल भी इसके पास से बरामद की गई है और अब पुलिस लगातार कड़ियां जोड़ने की कोशिश कर रही है। इससे पहले भी कई गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। बताया जा रहा है इस पूरे मामले में सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में 24 से 25 लोगों ने मिलकर सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड की साजिश रची थी। मध्य प्रदेश के सतना में पुल बनवाने की मांग को लेकर लोगों ने नदी में उतरकर प्रदर्शन किया। आरोप है कि प्रशासन ने कई बार पुल बनाने का भरोसा दिलाया लेकिन अब तक काम नहीं हुआ। और इसी बात से नाराज लोगों ने नदी में उतरकर प्रदर्शन करते हुए अपनी समस्या दिखाई। सामने आए वीडियो में कई लोग नदी को पार करते हुए दिखाई दिए। बड़े बुजुर्ग और यहाँ तक की बच्चों ने भी नदी में उतरकर प्रदर्शन किया। कमर तक बह रहे पानी में उतरे लोग जान जोखिम में डालकर काफी देर तक वहाँ डटे रहे। गुस्साए लोगों ने प्रशासन को चेतावनी भी दी। हमारी कार्रवाई एक महीने के अंदर नहीं की जाती तो हम रोड में पहुंचेंगे और यहां तक कि जिला प्रशासन का जाके घेराव करेंगे। बताया जा रहा है कि नदी पर पुल ना होने की वजह से आए दिन हादसे होते जा रही है। यही नहीं, जब नदी में उफान होता है तो लोगों को कई किलोमीटर घूम कर जाना पड़ता है। मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम में मौलाना आजाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में करीब दो हफ्ते से घूम रहा बाघ आखिरकार पकड़ लिया गया। हालांकि बाघ को पकड़ने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। बाघ को पकड़ने के लिए वन विभाग ने पिंजरा लगाया था, जिसके बाद उसे पकड़ा जा सका। बाघ अपने शिकार को खाने के लिए पिंजरे में पहुंचा था, जिससे वो उसी में फंस गया। बाद में वन विभाग की टीम ने बाघ को सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के जंगल में छोड़ दिया। ईरान में हिजाब के खिलाफ प्रदर्शन रुक नहीं रहा। सड़कों पर महिलाएं उतरकर लगातार नारेबाजी कर रही हैं। तेहरान में एक बार फिर से सुरक्षा कर्मियों की प्रदर्शनकारियों से झड़प। वीडियो में कई छात्राएं हिजाब के विरोध में नारेबाजी करती दिखी। विरोध प्रदर्शन की यह तस्वीर तेहरान यूनिवर्सिटी की है, जहां छात्र और छात्राएं हिजाब का कड़ा विरोध करते दिखे। इस दौरान मौके पर खड़े सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें रोकने की कोशिश की। इसी बीच हाथापाई हुई। ईरान में सुरक्षा बल के जवान लोगों की सख्ती से इस्लामिक कानून के हिसाब से ड्रेस कोड का पालन कराते दिखे। सरकार की तरफ से जोर जबरदस्ती की वजह से पूरे ईरान में तनाव बढ़ चुका है। हालात ऐसे बन गए हैं कि ईरान में गृह युद्ध जैसे मंजर नजर आने लगे हैं। इस विरोध में अब तक 233 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। उत्तर प्रदेश के झांसी से हैरान करने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां दो गुट आपस में लड़ते हुए दिखाई दिए, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इसमें दोनों गुट एक दूसरे पर घूंसे बरसाते हुए दिखाई दिए। सामने आए वीडियो में चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल दिखाई दिया। दोनों गुट काफी देर तक एक दूसरे पर हमला करते रहे। भीषण लड़ाई देखकर आसपास के लोग भी हैरान रह गए। बताया गया कि किसी बात को लेकर दरअसल दोनों पक्षों में बहस हुई थी।
देखते ही देखते बात इतनी बढ़ गई कि वो एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। हालांकि जैसे ही घटना की जानकारी पुलिस को मिली, वो मौके पर पहुंच गई और लोगों को शांत करवाया। असम के गुवाहाटी में एक पार्क में एक हाथी की मस्ती से लोग चौंक गए। पार्क के अंदर हाथी बच्चों की तरह खेलता हुआ नजर आया। सोशल मीडिया पर हाथी की मस्ती का ये वीडियो खूब वायरल हो रहा है। वीडियो में हाथी बेहद मजे से खेल का आनंद लेता हुआ दिखा। पार्क के अंदर हाथी बच्चों की तरह खेलता दिखा, कभी झूले के आगे तो कभी पीछे। इस दौरान पार्क में बच्चों के खेलने के लिए जो झूले और टायर लगाए गए थे, उनके साथ हाथी ने खेलना शुरू कर दिया। हालांकि इस दौरान पार्क में कोई बच्चा नहीं दिखाई दे रहा था। हाथी की ये मस्ती की तस्वीरें गुवाहाटी के आर्मी कैंट इलाके के एक पार्क की है। स्थानीय लोगों के मुताबिक ये हाथी खाने की तलाश में पास ही के जंगल से आया है। उत्तराखंड के बागेश्वर में ट्रक को ओवरटेक करने के दौरान मोटरसाइकिल सवार दो युवकों की मौत हो गई, क्योंकि ओवरटेक करने के दौरान उनका बैलेंस बिगड़ गया था और जैसे ही इस हादसे की जानकारी पुलिस को मिली, वो मौके पर पहुंच गई, जिसके बाद दोनों युवकों का शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। इस हादसे में मोटरसाइकिल के भी परखच्चे उड़ गए। बताया जा रहा है कि मोटरसाइकिल पर बैठे दोनों युवकों ने हेलमेट नहीं पहना था, तो दोनों युवकों की मौत हो गई। और जो जानकारी अब तक है कि दोनों युवकों की मौत दरअसल इस वजह से हुई क्योंकि दोनों ने हेलमेट नहीं पहना था। ओवरटेक करने पर यह बड़ा हादसा हुआ है जिसमें दोनों शख्स की मौत हो गई, और इसीलिए लगातार ये कहा जाता है कि जब भी गाड़ी चलाई जाए, बाइक चलाई जाए, उस वक्त हेलमेट का इस्तेमाल जरूर किया जाए।